बस हम ये चाहते हैं कि सही सलामत घर पहुंच जाए, हमें कोई रोक टोक ना हो, आराम से सवारी की सुविधा हो। जो पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हुए हैं जगह जगहों पे, वो हमें सुविधा करके दें, बैठा लें हमें और घर पहुंचाएं, बस यही मेहरबानी है। तो आप कहाँ जाना चाह रहे हो जी? बदायूं शरीफ। बदायूं, तो ये देखिए ये बहुत सारे लोग हैं जो बदायूं जाना चाह रहे हैं जी, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों की बात सरकार तक पहुँचे और जहाँ भी आगे मौका मिले कि आप सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो बाहर के हैं जी, जितने मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए हैं गांव से, वो सही सलामत घर पहुँचे, उन्हें कोई परेशानी ना हो। सरकार से ये अपील है कि उन्हें सावधानी दें और कुछ ना कुछ निकालें और कुछ सुविधा निकालें, वो अपने घर पहुँचें। उनके माँ बाप बीवी बच्चे घर पर परेशान हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ से लोग कह रहे हैं कि फंसे हुए हो तुम आ जाओ, कैसे भी जैसे भी हो, हम अब जा रहे हैं, पैदल जाना पड़े चाहे कैसे भी जाना पड़े, पर जाएंगे। यहाँ पे सर कोरोना का ज़्यादा मतलब जो है डर नहीं है, भूख का ज़्यादा डर है। इंसान भूख से पहले मर जाएगा, कोरोना से बाद में मरेगा। भूख से मर जाएंगे क्या बोल रहे हो? कोरोना से पहले तो भूख से ही मर जाएंगे, खाने पीने को मिलाने का जब बंद रहेगा। अब भाई राशन पानी इतना है, पैसे वैसे है नहीं जो भर सके राशन वासन हम अपने साथ में, लेकिन भूख से मर जाएंगे। ये स्थिति अभी आई नहीं ना, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था दिल्ली में। अब इंतजार क्या करें सर, काम फार्म बंद पड़े हुए हैं सारे, अब क्या करें, वहाँ बैठ के खाएंगे थोड़ी नहीं। जितने जो बोला था फिर उसके बाद में एक सप्ताह का बोला, उसके बाद में 21 दिन लॉकडाउन कर दिया। अब आगे तो स्थिति क्या रहती है कोई पता नहीं, सकती है नहीं भी पड़ सकती है कुछ पता नहीं। अभी एक दिन के लिए कराता, फिर एक दिन के बाद 21 दिन हो गए, अब आगे को पता नहीं। लेकिन वहाँ जैसे कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से या एनजीओ की तरफ से कुछ खाने पीने का इंतजाम था, तो औरों के लिए होगा, फिलहाल हमें तो कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, हमें कुछ ना मिला। अभी ऑर्डर क्रॉस करते ही हमें दो दो बिस्कुट के पैकेट दिए, उन्होंने क्या एक एक करके ले लो अपने, जो भी लेना है वो हमारे पास रखे। चलिए, ये मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, जो यहाँ से पैदल बदायूं जा रहे हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये देखिए लगातार लोगों के जाने का सिलसिला जारी है।